की उल्टी गिनती के बीच पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मॉक पोलिंग के डेटा को वोइंग से जोड़ा जा रहा है, वोटिंग से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजापुर समेत राज्य में हुए मॉक पोलिंग डेटा को भी गिनती के लिए जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर पूर्व वन मंत्री ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और जिला कलेक्टर को हटाने की मांग भी की, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। तो महेश गागड़ा का बयान सामने आया है मॉक पोलिंग डेटा को लेकर मतगणना की उल्टी गिनती के बीच। उन्होंने कहा कि मॉक पोलिंग डेटा को वोटिंग से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजापुर समेत राज्य में हुए मॉक पोलिंग डेटा को भी गिनती के लिए जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर पूर्व वन मंत्री ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की और जिला कलेक्टर को हटाने की मांग की, साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी महेश गागड़ा करते हुए नजर आए। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने मॉक पोलिंग डेटा को वोटिंग में मतलब गिनती के लिए जोड़े जाने की बात कही है। इसकी शिकायत भी वो कर चुके हैं चुनाव आयोग से, जिला कलेक्टर को हटाने की मांग वो कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है जांच के बाद, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, उनसे चर्चा करेंगे। आज आप लोग निर्वाचन आयोग आए थे शिकायत करने से, मामला क्या है पूरा? लोकतंत्र में विश्वास रहे और लोकतंत्र बचाने का काम भारत निर्वाचन, राज्य निर्वाचन कर रहा था, जिला निर्वाचन का अलग अलग स्टेप में, और निष्पक्ष चुनाव हो सबकी जिम्मेदारी रहती है और पहले भी देखते हैं कि किसी अगर कोई आदमी कहीं संदिग्ध भूमिका है तो तुरंत कार्रवाई होता है। लेकिन बीजापुर का मामला हम देखे कि कई शिकायत करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन जनता का जो मत है, जनता का जो अपना मताधिकार उपयोग करने के बाद भी किस तरह से उसको डिस्टर्ब करने का काम वहां के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, तमाम चीज को लेकर जो वस्तुस्थिति है, जो ग्राउंड पे जो हो रहा है और जिस तरह से उनकी भूमिका है, जो उनके व्यवहार है, और सब मुझे लगता है कि कलेक्टर कार्यालय बस कांग्रेस कार्यालय बस नहीं हुआ है। ईवीएम पे आपने सवाल उठाया है, क्या है ये मामला? ईवीएम पे नहीं, ईवीएम पे हमने सवाल नहीं उठाया कि जिस तरह से मॉक पोल की बात आज जिला निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं कि मॉक पोल का हमने सुना नहीं किया। पीटा सिन्हा हमारा एजेंट वहां पे थे, उन्होंने कहा कि वहां पे हुआ, और दूसरा हमारे एजेंट को वहां पे उन्होंने जो मत काउंटिंग जो पेपर होता है अंतिम में दिया जाता है उन्होंने दिया नहीं, तो हमने तमाम शंका किया कि आपके जो अधिकारी पीटा सिन्हा को जो एजेंट को दिया जाता है मत काउंटिंग पेपर उन्होंने दिया नहीं, तो तमाम चीजें आप उस बात आज हम लिख के देना कि मॉक पोल को और एक्चुअल काउंटिंग जो होगा, तो आप एक्चुअल और मॉक पोल में डिफरेंस कैसे करेंगे आप? तो तमाम चीज है कि तत्काल उस समय शाम तक होना चाहिए, आप 7 तारीख काउंटिंग हो गया, आप 23 तारीख को उसको करते क्या उसमें मॉक पोल को हम और बाकी करके ईवीएम को अलग करेंगे? आप खुद अपने आप को संदिग्ध बनाकर करें, खुद की भूमिका पहले संदिग्ध था, इस तरह से जो व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से जो आप पत्र जारी कर रहे हैं प्रत्याशियों को और अभिकर्ताओं को, तो आप खुद भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने बताया अगर मॉक पोल नहीं हुआ तो शाम को जब पीट ईवीएम जब जमा कर रहे थे पीटा सिंह को तुरंत बताना चाहिए कि इसमें मॉक पोल इतना था, आप इतने दिन क्या कर रहे थे, इस समय ऑब्जर्वर ही नहीं है, सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी है, आप करने के कारण क्या हुआ अभी तक? जिस समय आपको ऑब्जर्वर थे जब पेटी जमा हो रहा था उस समय पीटा सिंह द्वारा जब दी जा रही थी तो आपके निर्वाचन सिस्टम क्या कर रहा था? हमारा ही आरोप है, हम शुरू से यही आरोप लगा रहे हैं, कलेक्टर निष्पक्ष नहीं है, हम ये क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, भेदभावपूर्ण हो रहा है। आपने जो लेटर जारी किया साबित कर दिया है कि आपका जो निर्णय है, आपकी जो कार्यशैली है पूरा पक्षपातपूर्ण है, कांग्रेस के एजेंट पर काम कर रहा है। तो क्या ये मॉक पोलिंग वाली जो डाटा इसमें जोड़ने वाली स्थिति देख रही है, क्या छत्तीसगढ़ में पूरा देख रहे हैं आप कि सिर्फ बीजापुर की बात कर रहे हैं? देखिए बीजापुर में हमको जो लेटर मिला है उसको लेकर अधिकारी पास गए थे और तमाम जो उनकी भूमिका थी और जिस तरह से इन्होंने तो बहुत सी चीज ऐसा कहा है जो आज हमने सीओ को कहा है जो मीडिया में नहीं कर सकता, लेकिन समय आएगा जरूर उसको मीडिया में रखूंगा और भारत निर्वाचन से अपील भी करूंगा और तमाम जो चीजें जो लोग विश्वास रखते हैं लोकतंत्र पर ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि लोकतंत्र पर सबको विश्वास बना रहे, नहीं तो हमारा जो क्षेत्र ऐसा है कि बहुत से जो लोग हैं जगह है चुनाव डलता ही नहीं।